अनुशासन हिंसा को प्रगतिशीलता और अनुशासन बीच में मंडप को संगत टूटती मिली. Karina is watching this show. So. तू चुप रह. आप गुजरात की रहने वाली हैं कि मुंबई की? मुंबई. कुंभकर्ण भी जागता था 6 महीने बाद. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कल से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं. वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स. सॉरी सॉरी. उठ जाओ. वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स. एक बार जोरदार तालियां. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कल से यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद है फिल्म हमशकल्स की पूरी टीम. जोरदार तालियां मिस्टर सैफ अली खान, मिस्टर रितेश देशमुख, मिस्टर राम कपूर और फिल्म हमशकल्स के डायरेक्टर मिस्टर साजिद खान के लिए. साजिद भाई, मैंने एक चीज नोटिस की है, हम लोग कल से बड़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब कभी कोई फिल्म की हीरोइन थोड़ी मिसिंग होती ना, मेरे को लगता है पता नहीं सिद्धू बाजी की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है. आपकी एनर्जी लेवल को ऊपर लाने के लिए मैं पेश करना चाहता हूं मेरी दो खूबसूरत हीरोइंस को, तमन्ना भाटिया एंड ईशा गुप्ता. ईशा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. मैंने आपकी दो फिल्में देखी हैं जी, और एक में तो आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी हैं और ऐसी कमाल का सेक्सी कानून लगी रही हैं आप उसमें जी. सेक्सी मेरा कानून. मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं और बाद में आपको सरेंडर करूं, आप मुझे सख्त से सख्त सजा दें. I'm still ready for सजा if you want to give me some kind of punishment. हाँ, दूंगी ना, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी. Why कि not? एक आप ऑलरेडी डे स्पेंड कर चुके हैं हमारी पूरी हमशकल्स की टीम के साथ, एंड साजिद खान भी आए हैं, राम भी आए हैं, सैफ, रितेश, इतने बड़े बड़े कलाकार, कभी आपने सोचा था आपके साथ मैं होंगी यहाँ पे? मार गई गुड़ी. ब्यूटी विद ब्रेन विद फेयर स्किन. वेरी नाइस. मेरे को अच्छे लगते हैं ऐसे लोग. वेरी नाइस. तमन्ना, एक बात बताइए आप जी, आपने साउथ की ढेर सारी फिल्में की, अब जाके आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं, ये आपकी दूसरी फिल्म है, साउथ वाले ज्यादा अच्छी फिल्में बनाते हैं, नॉर्थ वाले अच्छी नहीं बनाते, पहले क्यों नहीं किया आपने? नहीं, एक्चुअली उनको मैं पहले अच्छी नहीं लगी, अभी अच्छी लगने लगी हूं, इसलिए यहां पर भी काम कर रही हूं. पक्का साजिद भाई ये सही कह रही हैं? बोलती पहले मुझे मैं उनको अच्छी नहीं लगी. अगर लड़की बोल रही है तो सच ही होगा, झूठ कौन सुनना चाहता है. चलिए खैर, ईशा और तमन्ना से भी हम ढेर सारी बातें करेंगे. आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में. प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए. आप इधर आ जाओ, या फिर एक काम करते हैं. अरे बहुत गलत हुआ, एक सेकंड एक सेकंड. हम बकरी के एक मिनट सर, थोड़ा क्लैरिटी कर लेते हैं. आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए. तो अभी इधर आ जाइए, आप आ जाइए. हाँ बैठ, हाँ बैठ. सर क्लैरिटी नहीं है,
डायरेक्टर साहब आप प्लीज थोड़ा ब्लॉकिंग कीजिए, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ। ओके सर सर सर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे बेस्ट आइडिया, सिद्धू पाजी के पास जाके बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं अपना सिंहासन खाली करता हूँ। आ जाओ विराजो 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 विराजो, मैं इतने आ जाना, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं अपना सिंहासन खाली करता हूँ। सिद्धू जी, सिद्धू जी, क्रिकेट फील्ड पर आपकी जो प्लेसमेंट है हमेशा फाइन लेग पर ही अच्छी लगती है। नहीं नहीं, अब मैं भी कुछ फरमाना चाहता हूँ। हाँ जी, जिस तरह से पाव का मजा नहीं आता है भाजी के बगैर, क्या बात है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का मजा नहीं आता है वहां पर सिद्धू पाजी के बगैर। गर्ल्स कम ऑन, रोको रोको ठोको। गॉड ब्लेस, थैंक यू, हैव अ प्लेजर। के पहले आप इधर आ जाइए। अच्छा हाँ ठीक है, आप इधर आ जाइए, साजिद भाई आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आ जाइए आप, वो उधर बैठ जाइए, राम भाई आप बैठ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, आ जाइए बैठ जाइए, जागरण करते हैं। हाँ जी आप अर्ज करो, तो अर्ज करो, ये अर्ज किया है। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट एक मिनट, सब नीचे बैठ गए, तो कलाली का प्रोग्राम शुरू करते हैं। देखिए अर्ज किया है हमारे साथ रावलपिंडी से मशहूर कवाल साजिद खान, छोटे नवाब रितेश नवाब, अबे शेर तो बोल, शेर अर्ज किया है। हाँ। बीच में अर्ज किया है। हाँ। सिद्धू पाजी। हाँ जी अर्ज किया है। हाँ जी, खूबसूरत लड़कियों को देख के आहा पाजी की आंखें तनी हुई हैं। अर्ज किया है, खूबसूरत लड़कियों को देख के पाजी की आंखें और मूछें दोनों तनी हुई है, ये लड़कियां हार्ड मास की कि मैदे की बनी हुई है, लड़कियां। एनीवेज, माता रानी सबका भला करे। लंगर शुरू करे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मैं ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आए लोगों के लिए, आप लोग क्या खाती हैं? ऐसी लड़कियां तो मार्केट में आनी बंद हो गई हैं। आप हमें खाना ही नहीं देते, हम खाना ही नहीं खाते, खाना ही नहीं खाते हम। पक्का? ये क्या मतलब, स्पेशल कुछ करती हैं आप? ये इतने पतले पतले मुंह, इतनी कमर और यूं चल चल के जाती है तो मजा आ जाता है देख के, मतलब सिस्सी लेता हूं ताकि मजे आए लोगों को देख के। हाउ स्वीट, सो काइंड ऑफ यू। ईशा तमन्ना जी, आप दोनों के को स्टार्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके फिल्म के डायरेक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, हम आपसे इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बिकॉज आप लड़कियां जो होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, तो मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, आप हाजिर नाजिर जान के बताइए जिसको भी आप मानती हैं, जिस भी भगवान को, कि जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी, अगर कुछ कहेंगी सो यू हैव टू किस मी। सबसे पहला सवाल आपके लिए, सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? ध्यान रखता है ना कभी कभी अपने को स्टार का या ऐसे? वो तो मैं, दैट इज सेफ। ले लो आप इनको कुर्सी देना चाहते हैं। ऑल थ्री ऑफ देम। सबसे ज्यादा शरारती कौन है, प्रैंक्स कौन करता है सेट पे? रितेश। हर चीज रितेश ही है। बेस्ट लड़की कौन है? रितेश। हाँ, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? रितेश। ये पिक्चर डायरेक्ट किसने की है? रितेश। अच्छा लड़कियों को इम्प्रेस करने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? कपिल। मेरे भी, मेरे भी। इट्स अ वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ प्रमोशन। ओके अभी आपसे बहुत सारे सवाल हम लोग जानेंगे, टेल मी वन थिंग ईशा, मैं ऐसे ईशा तमन्ना आप दोनों से एक बात कहने जाता हूँ कि आप बड़ी खुशकिस्मत है, आप साजिद जैसे फन लविंग गायक के साथ फिल्म कर रही हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती भी ये है कि आपके जितने भी को स्टार्स हैं सबके सब हैप्पीली मैरिड हैं। सो गाइस यू आर जस्ट कट ऑफ मैन। सो
आपको अगर शादी करनी हो सबका पता साफ कर दिया. What kind of guy you want? जो एक टीवी शो होस्ट करता हो. ब्राउन जैकेट पहने. है नहीं ब्राउन में करवा लूंगा. और जिनके घर पे एक खूबसूरत बकरी हो. मंजू तू जिधर भी है उधर से वापस हो जा. वी आर जस्ट डिवोर्स्ड. मंजू कुछ महीनों पहले मैंने एक एपिसोड देखा था जहां पर जो आ रहा था मेरा स्वयंवर कराने की कोशिश कर रहा था. हाँ फरा मैम जब आई थी. हाँ अच्छा उठ गए. उठ गया बोलो. हम भी उठ सकते हैं. प्लीज बैठ जाइए. थैंक यू राम भाई. आप मेरे ख्याल से नीचे ज्यादा कंफर्टेबल थे. तो एक काम करते हैं आज मेरी दो खूबसूरत हीरोइंस यहाँ हैं. थैंक यू. और सैफू मैंने खूबसूरत बोला. बेहद खूबसूरत नहीं बोला. थैंक यू साजिद. तू भी तू भी. ये पहली दो हीरोइंस हैं सैफ एंड रितेश जिनको मेकअप नहीं और शेविंग क्रीम की ज्यादा जरूरत है. तो दो खूबसूरत हीरोइंस यहाँ हैं तमन्ना और ईशा. और दोनों ने बोला है कि हमें ऐसा वर चाहिए जो ब्राउन जैकेट जो एक्चुअली ब्राउन नहीं पहनता है और जिनके घर पे बकरी है. तो क्यों ना आज हम यहाँ पर कपिल का स्वयंवर करें. तालियां. कपिल भाजी जी दो नहीं बल्कि चार चार खूबसूरत हीरोइंस बैठी है. सबसे खूबसूरत आवाज जी इनकी. सॉरी सॉरी आई जस्ट रियलाइज्ड आई एम मैरिड. तो गाना मेरे लिए गाया था. हाँ तो उनको कर रहे हैं. कमाल कर रही हैं. थैंक्स कपिल मेरे बाल बिगाड़ दिए. मैं देखा हीरोइन में हीरो से ज्यादा कॉन्फिडेंस था. हाँ कमाल है. गुड चॉइस सर. बैठ जा बैठ जा. बट अब लड़की गा तो सकती है जी. किस तरह की लड़की पसंद. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता कि अपने शो में कास्ट कर ले बाहर किसी को पेमेंट ना देनी पड़े. भाई आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो यूनिट का जोक मास्टर था वो मास्टर नहीं थी वो है ईशा. बहुत अच्छे जोक्स हैं. ये हमारी हमारी फिल्मों की ये सेंटोजन की महफिल है. ईशा यू डिडंट टेल मी. ईशा जी इन्हें एक नमूना दीजिए आपने आपके चुटकुले का. आप जब तक चुटकुला शुरू करेंगी हम सब खाना खा के सो जाएंगे. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम कॉमेडी नाइट्स विद ईशा. कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तालियां तालियां.
मगर जब उसी औरत को उस आदमी की बीवी कॉल करके बोले कमीनी छोड़ दे मेरे आदमी को तो वो और भी सक्सेसफुल आए थैंक यू मेरे को दोनों पसंद है सर वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी नाइस जोक क्या क्या फैसला किया आपने मैं चाहता हूं कि ऑडियंस मैं कंफ्यूज हो गया हूं सर दो खूबसूरत लड़कियां देख के ऑडियंस आपको क्या लगता है कौन होनी चाहिए आपकी भाभी मेरे को दोनों का टैलेंट अच्छा लगा सर मेरे को इनका जोक पे मतलब बड़ा सुरीला लगा और उनका गाना भी मेरे को अच्छी हंसी आई हम लोग किसी तरीके मर्ज नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मर्ज नहीं कर सकते मतलब आपको उस तरह की बीवी चाहिए कोलैबोरेशन जो गाना गाते हुए जोक सुनाए काइंड ऑफ आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है कौन है आपकी भाभी मैं बोलता हूं एक सेकंड इज इट तमन्ना तालिया Is it? Sureli jokes wali. Isha. same balance. Aisi audience voting karne jaye na kisi candidate ko na jitaye bana. Sabko harane hai. Sabhi ko response de rahi hai. Nahi, sir, I think I'm a little bit confused between both girls. We'll decide later. Please. You please come. And you. पेट तो तेरा पहले से खराब रहा था एटीट्यूड भी खराब हो गया सुन नहीं रही है एक्सक्यूज मी साधारण मनुष्य क्या आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे साधारण मनुष्य मतलब तेरा आज ना कोई हेलो हाय ना कोई झगड़ा हेलो मैं आपसे हेलो क्यों करूंगी हेलो तो बहुत दूर की बात है आपको तो मैं चल हट सामने से हट हवा आने दे ये भी नहीं बोलने वाली अबे चल तू आगे बढ़ जाके यहाँ पे हमारा काम मत खराब कर व्यू ब्लॉक कर रही है हमारा मिस्टर बिट्टू शर्मा शायद आप भूल रहे हैं कि मैं झलक दिखला जा सीजन 7 डांसिंग विद द स्टार्स की मेन स्टार हूँ अच्छा तो मतलब करण जौहर माधुरी दीक्षित रेमो फर्नांडिस वो क्या सेट डिजाइनर है वहां पे वो लोग स्टार नहीं है क्या दे आर जस्ट जजेस इस पूरी दुनिया के अलावा उनको जानता ही कौन है तुझे क्या मंगल ग्रह के लोग भी जानते हैं मंगल नहीं शनि रवि ये दोनों दिन पर मैं टीवी पर छाई रहती हूं कंप्लीटली जैसा कि आप देख सकते हैं आपके घर में भी इतने सारे लोग मुझे ही सो मिलने आए हैं मतलब तेरा दिमाग सटक गया इतने बड़े स्टार्स आए तो उनको लोग बोल रही है ओ बड़े स्टार तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपके घर में सैफ रितेश और राम कपूर आगे बैठे हुए अपना ये घोंगा उतार के देख वही बैठे हुए हैं Oh yes, it's actually. I'm sorry, क्या है कि मेरे expensive sunglasses, shades, goggles के पीछे ना मैं आपको देख ही नहीं पाई ठीक से. I'm so sorry, you know, through them it's a little problem. Hi. I'm Palak. Hi. How are you? Very good. Big fan. Yeah. Also very sweet of you. I have the same top. Oh, you do? वैसे ये राम कपूर जी को मैं जानती हूँ हम दोनों सेम जिम में जाते हैं ना अच्छा सेम जिम एक काम करो या तो अपना जिम बदलो या इंस्ट्रक्टर बदलो तुम लोग नहीं इस समय तो मैं अपना विजन बदलना चाहूंगी जो मैं यहां से हटा के फराह खान मैम फैन मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ सच में मेरा मानना है कि अगर मेरे से बेहतर कोई डांसर है इस दुनिया में तो आप हैं मैम बस ये बात तूने झलक दिखलाजा में रेमो को भी बोली थी ना ये हाँ बोली थी तो मैं खाली चेक करना चाहती थी कि आप झलक दिखलाजा देखते हैं या नहीं और आप काफी मतलब माइन्यूट डिटेल्स देखते हो पता चल रहा है मुझे
काफी गहराई से मुझे ढूंढते रहते हैं आप शो में. अरे छोटी छोटी बातें तेरे को पता है, इतनी बड़ी बात तो कैसे भूल सकती है. एग्जाम तेरे को फराह खान लग रही है, ध्यान से देख. देख साजिद खान है, ध्यान से देख. अगर मैं फराह खान होती तो मेरी आवाज ऐसी होती, हाँ बोलो क्या हाल है. One sec. Oh yeah. Okay, मैंने अपने expensive sunglasses, shades, goggles को उतार दिया था ना, इसके लिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था. But देखिए आप फिर भी देख सकते हैं ना कि कितने बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं. नहीं, you guys don't worry. एक मिनट आप ये hold करेंगे. Don't worry at all. आप सबको मेरे autograph मिलेंगे. अपने ऑटोग्राफ जेब में लेके घूमती है. हाँ तो फैंस का क्या भरोसा, कभी मांगना भूल गए तो. आप क्या कर रहे हो? ये मैं सॉरी, मेरे घर में टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था. पलक तेरे ऑटोग्राफ क्यों लेंगे, वो कितने बड़े स्टार्स हैं. हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतने बड़े हैं इसलिए तो शर्मा रहे हैं. नहीं लेकिन आप अपने घर जाएंगे और घर पे इनसे कोई पूछेगा कि क्या आपके पास प्रूफ है कि आप पलक से आज मिले थे, तो क्या कहेंगे ये लोग. देखिए रितेश, इस साधारण मनुष्य की बातों को इग्नोर करते हैं और आप अपना सारा का सारा ध्यान ना मेरी ओर केंद्रित कीजिए. केंद्रित. देखिए अब आप, मैं आपसे खाली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि घर जाके गलती से भी आप ना जेनिला जी को बताइएगा मत कि आप मुझसे मिली. क्योंकि किसी भी फैमिली में मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो वो भी मेरी वजह से हो. I don't approve of that. I don't like it at all. खैर और वैसे ना राम कपूर जी, मैं आपको भी बता रही हूँ कि क्या अब मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो इतनी बातें करने की मुझे आदत है नहीं, लेकिन आज कर रही हूँ. अच्छा. ताकि थोड़ी तो कुछ न्यूज बने. लाइक राम कपूर को पलक से मिलने का मिला सौभाग्य. राम कपूर टोटली गदगद हुए विद हैप्पीनेस. नहीं उसके बाद अगर आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं और फिर वो सब आप न्यूज़पेपर्स को दे देना, नीचे लिखवा देना वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ताकि सबको पता चल जाएगा कि हमारे और आपके भी चक्कर चल रहा है. सेल्फी तो ले ही लेते हैं. अरे एक सेकंड, इतना छोटा फोन है ये दोनों सेल्फी ले रहे हैं. अबे कितनी दूर जा रहे हैं एक सेल्फी के लिए. अब फिट आ गए. थैंक यू. साजिद भाई आप ये डायरेक्टर हैं, अभी भी एल्बो कटी हुई है. और पलक मेरी बात ध्यान. आप जब भी देंगे फोटो नीचे लिखवाइएगा जरूर वी आर जस्ट गुड फ्रेंड. यस डार्लिंग, इससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा अफेयर चल रहा है. ओके पलक मेरी बात सुन, तू राम भाई के साथ फोटो खिंचा रही, तेरे को पता है उनके फैन ऑलरेडी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में है, तू कौन है. अरे तो कानपुर, शोलापुर, जलंधर, लुधियाना, हर जगह मेरे भी फैंस हैं. और मेरे फैंस तो ऐसी ऐसी जगह पे भी हैं जहां पे टीवी अभी तक पहुंचा नहीं है. और आपको पता है एक दो जगह टीवी पहुंचा भी था, उन्होंने बेच दिया. कहते अगर यही चीजें आनी टीवी पे, हम टीवी बेच के मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं. आपका बहुत ज्यादा हो रहा है मिस्टर बिट्टू शर्मा. जरा रुक जाइए आप थोड़ी देर के लिए. मैं अभी आपसे बात करना ही नहीं चाहती, मैं बात करना चाहती हूँ मिस्टर साजिद खान से. साजिद खान जी, वो मैंने सुना है कि आप अपनी फिल्मों के लिए हमेशा सुंदर और हॉट लड़कियों को साइन करते हैं, जो मैं देख भी सकती हूँ. लेकिन मैं खाली आपको एक ऑफर दे रही हूँ, सुंदर और हॉट के साथ साथ अगर आप गॉर्जियस, सेक्सी, रेडी टू ओवर एक्सपोज टाइप की लड़की अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसी एक लड़की मिल सकती है. आप अपनी अगली फिल्म के लिए मुझे साइन कर सकते हैं इफ यू वांट. बट मैं बोलूं वो फिल्म अगली फिल्म होगी, क्योंकि वो फिल्म अगली होगी. लेकिन मैं एक बात बताऊं साजिद भाई, इसको कास्ट करने का फायदा है, आप चार रोटियां एक्स्ट्रा देंगे ना तो ये पूरे यूनिट के कपड़े भी धो देगी. वैसे ये बात अगर साजिद भाई पहले सोच ले तो उनको शायद दो तीन हिरन साइन ना करनी पड़ती है, एक ही में काम चल जाता. He's just jealous of me. शायद इनको पता नहीं, शायद आपको भी पता नहीं कि अभी जो फिल्म आई थी ना हीरोपंती,
उसकी हीरोइन के लिए पहले मुझे ही कास्ट किया जा रहा था। सही बात है, ये तो सच्ची बात है, लेकिन इसके फोन में रिचार्ज नहीं था तो इसके फोन नहीं उठाया गया। अभी उन्होंने बोला है कि हम दोबारा सीक्वल बनाएंगे हीरोपंती का, हिप्पोपंती। इसमें मेल लीड है। पलक तू थोड़ा तो कुछ तो भगवान को जान देनी, कुछ तो सोचा कर। तू ग्लैमरस बोलती है, बोलते ईशा और तमन्ना, देख उनको। इन दोनों का ग्लैमर आप पूरा का पूरा जोड़ भी देंगे ना तो भी मेरे जितना ग्लैमर हो नहीं पाएगा। आप तोल के चेक कर सकते हैं। कल मैं अपने पानीपुरी वाले के पास गई थी, वो मुझे कह रहा था कि ओ आप जब आती है ना यहाँ पर तब इतनी भीड़ जमा हो जाती है मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी भीड़ जमा होगी, एक औरत 2.5 मिनट में 3,000 की पानीपुरी खा ले। देखिए आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने ग्लैमर के जलवे आज इनके सामने दिखाई दूं। ओ नहीं, पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का। पलक, तुम तो लड़कियों के साथ कॉन्टेस्ट कर रहे थे, मेरे दो हीरोज के साथ क्यों नाचने लगी? नहीं अब वो आ गए फ्लोर पे तो। अरे आए नहीं, तुम खींच के लाए उनको बुलडोजर की तरह। I just wanted to burn the dance floor. Burn the dance floor. ये बताइए क्लियरली कौन था विनर यहाँ पर? अरे बट वो लड़कियों को नाचने का मौका ही नहीं दिया तुमने। वो नाची थी, मैंने देखा वो ऐसे। वो नाचने रही थी, जब तुम नाच रही थी स्टेज हिल रहा था, वो हिल रही थी। फिर भी आप एक विनर तो डिक्लेयर कर ही सकते हैं ना, बताइए ना कौन जीता? Who is more glamorous? I think आपको क्या लगता है? मेरे को तो क्लियर साफ लग रहा था कि ईशा और तमन्ना। ट्रॉफी देता हूं मैं अपनी तरफ से, मेरी ट्रॉफी ले जा। कौन सी? ये ले। ये मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि सारे के सारे मर्द मिलकर ना हमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं बहनों। मुझे भी ये लग रहा है, ये गलत हो रहा है यहाँ पर। ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको थोड़ा टिप्स देती हूँ हम कैसे इनसे बदला ले सकते हैं। ओके आई थिंक यू शुड कम विद मी। हम इनको बाद में देख लेंगे। ओके और क्या ये? थैंक यू, मुझे बहुत सूट करता है। चलिए आइए आइए। ओके अच्छा हुआ गए, हम पहले टाइट टाइट बैठे हुए थे। आइए खुले होके बैठते हैं। ये तो स्वयंवर तो यहाँ पे बराबर चला नहीं, यहाँ पे पलक आई, समझ में नहीं आया कौन बेटर डांसर निकला। चली गई भाई, दोनों ही चली गई यार, एकदम ही चली गई, दोनों चली गई यार। कपिल तोड़ गए यार, लड़कियों को देखना बंद कर यार, तू तो शादीशुदा है ना? नहीं नहीं ऑफ कोर्स, व्हाट शादीशुदा है तो? नहीं नहीं वो मेरी दूर की कजन वाइफ है, मेरा ऐसे कजन वाइफ, कजन वाइफ, कजन वाइफ। तो भाभी जी से हमको भी मिलाओ यार। कजन वाइफ, भाभी मिलाता हूँ आपको भाभी से।
हाँ भाभी जी ये भाभी है विदाउट मेकअप ऐसी लगती है मेंढक लेकिन मैंने मैंने कहीं सुना था और पढ़ा भी है कि अगर If you kiss a frog. Yeah, not kiss a frog, a prince. If a prince kisses a frog, then that frog will become a beautiful woman. एक मैं खुश हुआ हूँ थोड़ी देर में आप उसको बाद में मेंढक से फिर बना दोगे मेंढक का मेंढक ही रहेगा कोई खास फर्क नहीं आएगा चल साजिद भाई को नमस्ते कर भाई आप वैसे आपको क्या लगता है मतलब ठीक है ना बनी हुई है और वैसे भी मेरे को इतना कोई शादी का फायदा तो है नहीं भाई शादी के बहुत फायदे होते हैं कि नहीं यार हेलो शादी के बहुत फायदे होते हैं यार इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ गुड वाइफ लाइक वी आर तो फिर फायदे ही फायदे आप तीनों लोग शादीशुदा हैं हाँ बिल्कुल कोई दो दो एक एक फायदा बता दो चलो शादी का दैट्स इजी मैन हाँ हाँ बिल्कुल सबसे पहले मैं बोलता हूँ शादी का सबसे बड़ा फायदा ये है तो जैसा कि हमारे दर्शकों को अपने चहेते स्टार से पता चला कि शादी के तीन फायदे बड़े लाजवाब फायदे उन्होंने बताए साजिद भाई आप सिंगल हैं सिंगल होने का फायदा बताओ कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे नॉर्मल चीज देखिए मेरी मुस्कान 2400 घंटे रहती है लेकिन मेरे को एक अच्छा फायदा याद है जी जैसे कि आप याद आया ना हाँ आया तो सही जैसे कि आप सब जानते हैं मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ दिखता है मैं 2 बजे 3 बजे जब भी शूटिंग खत्म करके घर पहुंचता हूँ रात के मेरी बीवी गरम गरम खाना देती है मुझे अरे सर गरम गरम खाना तो माइक्रोवेव भी देता है तो अब क्या मेरा रामू भी देता है नाउ मुझे भी एक फायदा जी याद आया भूल गया तू घर जा आज तू घर जा यू कैन बोरो हर स्कर्ट्स अगर आपको बीवी के कपड़े पहनना पसंद है साहिबान मेहरबान कदरदान साहिबान मेहरबान कदरदान वाओ थोड़ा पीछे से उठा खींच थैंक यू यदि आपके पेट में दर्द हो यदि आपका खाना हजम नहीं होता हो यदि आपके जेब में पैसे तो हो लेकिन आप जलेबी खरीद नहीं सकते तो अब आप घबराना छोड़ दीजिए साहिबान क्योंकि शहर में आ गया है यू दादी दवा खाना जी हां दोस्तों यू दादी दवा खाना 104 वर्ष पुराना वल्लभगढ़ का मशहूर चूरन बालम खीरा जो आपके पेट को बनाएगा हीरा भाव सुनिए मार्केट में इसका भाव है 200 रुपये लेकिन सिर्फ आज के लिए बच्चा पार्टी सिर्फ आज के लिए 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये आपके पेट के लिए पेट से बढ़कर कुछ नहीं 20 रुपये 20 रुपये बोलिए ए दादी ये सब क्या है ये सब क्या हो रहा है कुछ नहीं मैंने मैंने दवाखाना खोला है नया बिजनेस है कहाँ साजिद को नहीं लाई बहुत बोलता है वो पकाओ मैं साजिद हूँ
है कैसे है बैठो 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 ज्यादा इज्जत मत दो दादी उनकी शूटिंग चल रही है इसलिए नहीं आई मैं साथ में मुझे पता है ये शूटिंग की वजह से शादी के बाद तुम लोग डिनर भी नहीं कर पाए ना सब मार्केट में न्यूज़ है डिनर भी नहीं कर पाए सब खबर है आपको सब खबर है लेकिन कोई बात नहीं फिक्र मत कर जैसे ही फुर्सत मिले ना मुझे बता देना हम सब डिनर के लिए आ जाएंगे इसको देखो सुमुंडा ऐसा भोला भाला बन के बैठा है लास्ट बार आया था कौन सी फिल्म के लिए आया था ग्रैंड मस्ती के लिए आया था उस वक्त क्या कहा था मेरे लिए दुआ करना अगर फिल्म हिट हो गया तो खाली हाथ नहीं आऊंगा नेक्स्ट टाइम देखो इस बार दाढ़ी लाया साथ में आधी तेरी तेरी दुआ सलाम होगी ना मेरी दुआ सलाम नहीं चल निकल ले अभी और ये मेरा हम्प्टी डम्प्टी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सच के जो बड़ा सोना बच्चा जितना सीधा दिखता है ना उतना ही शैतान है ये शैतान वो कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है इसके अंदर कम से कम दो तीन होंगे हाँ हाँ मिलना जुलना तो हो गया वैसे बिट्टू मैं तुझे एक खुशखबरी देने आई हूँ आप लोग भी सुनो मैंने ना एक ऑफिस खोली है लेकिन दादी तू ये बेच क्या रही है यू दादी दवाइयाँ हैं बिट्टू तुझे पता नहीं है भले ही आज हमारे घर में खाने का प्रॉब्लम है लेकिन तुझे पता है देश में पचाने का प्रॉब्लम चल रहा है अच्छा हाँ लोग हजम ही नहीं कर पाते यार इसीलिए मैंने ये एंड नाउ इट्स माय क्लिनिक टाइम डोंट डिस्टर्ब हेलो टॉली दादी द डॉक्टर स्पीकिंग या जी हाँ 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 मैंने ही दी थी बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ इज ओके अच्छा गोली रिएक्ट कर गई गोली नहीं डोंट पैनिक शांत रहिए लंबी लंबी सांसें लीजिए एक काम कीजिए जल्दी से किचन में जाइए पतीली निकालिए पानी गर्म कीजिए उसमें चाय पत्ती डालिए शक्कर डालिए गर्म गर्म चाय बनाइए और पी जाइए और उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन से डॉक्टर को फोन करना है ठीक है हेलो वेटनरी हॉस्पिटल जल्दी आइए यहाँ पे दादी को काट लिया किसी ने और कुत्ता पागल हो गया है तू पागल हो गया चुप कर तू क्या मेरे को आगे डिस्टर्ब कर रही मेरे मेहमानों को क्या मैं मेहमानों का इलाज भी करूंगी वो देख मेरे दाढ़ी को देख मैं उसके लिए दवा लाई हूँ ये दवाइयाँ बीच में आ जा ये देख ये दवाइयाँ दिन में दो बार लेने सुबह और शाम को उसके बाद लड़कियों का गेटअप करना बंद कर देगा तू और सिर्फ लड़कों की मिमिक्री करेगा लड़कों की करके दिखा एक गोली दांत तो से अंदर करंट लगा दादी माँ ये क्या कर दिया आपने ये तो पाइल्स की थी इसे तो क्या रिएक्ट कर दिया ठीक है एक्टिंग कर रहा था ये एक्टिंग कर रहा था मुझे पता था दवाइयां का असर इस पे नहीं जाएगा क्योंकि बंदा बहुत टैलेंटेड है तेरी गोली तो छोड़ दो वो तो वैसे ही टैलेंटेड है एक्टर है तो एक्टिंग ही करेगा अरे नवाब साहब आपके लिए भी दवाइयां हैं हिंदी बोलने के लिए जी, जी हाँ ये जो है एक गोली सुबह पानी के साथ पुटुक एक गोली शाम को करीना के साथ उसे भी तो पता चले क्लियर होती है और हिंदी यू कैन कीप दिस थैंक यू अब चलो मेरे साथ हिंदी बोलो जी अनुशासन ही इंसान को प्रगतिशीलता और उन्नति का की ओर अग्रसार करता है अग्रसार अग्रसार
अग्रसर होता है अग्रसर सही बोलने से क्या लेना देना गोली ये खा रहा है इसको बोल रहा है एक बार फटाफट अनुशासन ही इंसान को अनुशासन ही इंसान को प्रगतिशीलता और उन्नति की ओर और उन्नति की ओर अग्रेसिव करता है अग्रेसिव करता है बट स्टिल इज दिस नॉट Medicine is not bad. No, but ye goli puri khalo, asar karega. Thank you. Bro, aise mat de, taadu. Tumhare liye bhi laayi hu. Smarty. Nice. Jim Jens. Yay! Itni sari goliyan lagi. राम को इतनी दवाइयां नहीं खानी है अबे गोलियां लाइए गोले नहीं देखो तो सही तुझे इतनी दवाइयां खानी नहीं है सिर्फ जो मैं करती हूँ वैसे करना है अच्छा जो मैं करती हूँ तुझे एक घंटे में तीन बार करना है ऐसे ढक्कन खोलना ऐसे गोलियों को फर्श में गिराना ऐसे इधर रखना फिर ऐसे झुकना फिर सिर्फ मेरा काम है देना हाँ। इसके साथ तू क्या करेगा कैसे करेगा क्यों करेगा मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि इतिहास गवाह है तू हमेशा अपनी मनमानी करता है समझा जो कर दे कर ले ठीक है दादी माँ डू एट योर ओन रिस्क यस आप बोल रही है तो मैं ये घर जाके खा सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल दादी ये गोलियां सारी इकट्ठी कर अपनी मैं उठा लेती चल इतनी बड़ी डॉक्टर होती तो अपनी गैस की प्रॉब्लम ना ठीक करती है तुझे कुछ नहीं पता पेड़ कभी खुद को साया नहीं देता नदी कभी अपना पानी नहीं पीती बच्चा अपना कभी नैपी चेंज नहीं करता डॉक्टर हमेशा दूसरों का भला करता है लेकिन इतिहास गवाह है सिद्धू जी हाँ जी डॉली दादी जब भी स्टेज पर उतरी है खुद का भला करके गई है शगुन की पप्पी टाइम और आज तो बाजार बहुत गर्म है कहां से शुरू करूं साजिद मेरे काले इनविजिबल मैन Thank you. Nay, wow. Wow. दादी दादी राम को बड़े अच्छे लगते हैं सुन सके राम सुधर जा यार इतने क्या करते थे राम Terrific, Ram ji. प्रवचन शुरू हो गया मैं थोड़ा साइकिल हटा लूं भाई शो का बजट थोड़ा कम लगता है क्योंकि कार वार खड़ी हो तो अच्छा लगता है ये अच्छा लगता है गया, इतने महंगे स्टार है साइकिल खड़ा करके 500 रुपए का ए दादी राम भाई कम से कम अपने नाम की तो रिस्पेक्ट रख लेते हैं आज हमारे पास इतने सारे स्टार्स बैठे हैं साजिद भाई आपने कितने साल टीवी किया है राम भाई ने इतने साल टीवी किया है आपको ज्यादा मजा किस में आता है सर
जो one-to-one इंटरेक्शन होता है और जो इंस्टेंट रिजल्ट होता है वो टीवी से होता है जी. और मेरे हिसाब से आज की डेट में टेलीविजन फिल्मों से कम नहीं है. एंड सच्चाई ये है कि टेलीविजन का सबसे बड़ा सुपरस्टार हमारे साथ यहाँ खड़ा है जी. चलिए सर, यहाँ पे आपके ढेर सारे फैंस बैठे हैं और आपके ढेर सारे स्टार्स भी यहाँ पे बैठे हैं. सो आप लोग एक एक करके अपनी मनचाही बात, अपना मनचाहा क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं जी. सबसे पहले कौन पूछना चाहते हैं? जी मैडम, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम प्राची है. प्राची देसाई. प्राची पटेल. जी पटेल जी. मैं सिद्धू जी, हमेशा कहते हैं कि आदमी शादी के बाद शेर से बिल्ली बन जाता है, तो मैं एक दृश्य दिखना चाहती हूँ जिसमें जनरली आपकी क्लास ले रही हूँ. है? क्या देखना चाहती है? एक दृश्य देखना चाहती हूँ जिसमें जनेली आपकी क्लास ले रही हो. तो दृश्य इनके घर जाके झांक लीजिएगा. वो जनेलिया तो यहाँ पे है नहीं. लेकिन जनेलिया यहाँ पे है नहीं. जनेलिया कौन बनेगा? मैं बन जाएंगे. Why did I say that? लड़की का रोल किया ही है. I'll give a scene. हाँ या. मैं सीन देता हूँ. हाँ. रितेश थक टूट के काम करके 18 घंटे शूटिंग करके घर आया, जबकि वो रात को 9 बजे जिनेला को डिनर पे ले जाने वाला था और वो बेचारी तैयार होके बैठी है. हाँ. और रितेश 12 बजे घर आया और बोला कि अब मैं बहुत थक गया हूं, मैं बाहर नहीं जा सकता. सो आई हैव टू या आजा, थक टूट के आया. ओके आई एम. नहीं मैं थक टूट के भी तो बोल रहा है ये. अच्छा टूट के. चलो ठीक है. ओके ओके. ओहो रितेश, इतने लेट क्यों आए? So sorry baby. No sorry. What about my dinner restaurant dinner? Baby, मैं बहुत थक गया हूँ ना. Darling, so sorry baby. Sorry sir. I got late because Sajjid na hit. Shut up. No, I'm going to take your class. Janu, Jamila is going to kill me. So that I'm not like that. I'm going to do more class. Janu, shut up. Janu, so sorry, baby, so sorry. Okay, press my foot, little bit. Baby, did you buy me my present? I got you a new razor. Okay, great. With a great shaving cream. Not bad. Not bad. So you'll be nice and sweet, baby. And you'll never be naughty again. Sorry, I don't know. I'm not very good at doing it. Yeah, you're doing it very well. Just say shut up 3 times. Shut up, shut up, shut up. You're doing what? Tumne shut up kaha, baby, to main shut up kar raha hu. Yay. Okay, aap khush hain? Are she satisfied? Okay, very good. Thank you so much. देखो मुझे लगा था Shut up. सुभाष गई जी के बाद इन्हीं को सेटिस्फाई करना मुश्किल है. थैंक यू सो मच आने के लिए. जी और कोई हमारे दोस्त जो सैफ से, रितेश से, राम से, साजिद भाई से बात करना चाहते हैं? जी यस बेटा. हेलो सर. हाय. मेरा नाम पृथ्वी है, मैं दिल्ली से हूँ. मेरा क्वेश्चन रितेश जी से है. रितेश जी, आप तो रेसलिंग के बहुत बड़े फैन है, तो आप राम जी से फाइट क्यों नहीं करते? आई शाबाश मेरे शेर. आजा आजा. शाबाश बेटा, इधर 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 बैठ जा, इधर बैठ जा. अब बोलो. हो जाए. So, standing in my left corner, weighing 120 pounds. Weighing 22 kilos. Riteish Deshmukh ke liye taliya. Okay. Standing in my right corner, Prikshit. Man mountain. Weighing 5 ton. Ram Kapoor. Aur match ka mahal garam. एक आदमी मारने को तैयार, दूसरा भागने को तैयार. मुकाबला. कविता. कविता बेटा कौन जीता?
माइक में बोलो बेटा, माइक में बोलो। रितेश जी। रितेश जी जीत गया। मैं तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। नटखट बच्चा। हो बेटा, ऐसे हिंसात्मक क्वेश्चन नहीं करते। चाह गया गुरु तू? जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, माइक माइक देंगे मैडम आप? नहीं तो आप ऐसे करके बोल लीजिए। जी मैम, ये साड़ी आप पे बड़ी सूट कर रही है। थैंक यू। आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं जी। थैंक यू। सब लोग बोलती है थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, मेरा नाम मंजू है। I've just come back from the US. मेरी बीवी वाला नाम मंजू। हाँ जी। और आप US से हैं? हाँ जी। जी मैम, मैं जाने वाली थी कनाडा, but I cancelled it. I said that you know if I'm going to be a fool if I miss this program. Oh sweet, thank you so much. So I'm very happy to come here. Hindi mein ma'am. I'm so sorry. क्योंकि बाकी लोग कभी US गए नहीं तो फिर नहीं नहीं मुश्किल हो जाए। I just namaste Siddhu. Namaste Mohtarma. Namaste. Namaskar ji. I just wanted to talk to. आपकी हिंदी काफी English type है. Okay. अच्छा sorry. मैं Mr. Am से बात करने वाली हूँ. जी. He's a very sweet person. Thank you. Sweet खा कैसे हुए? नहीं. Sweet बहुत ही अच्छा है. जी. इनका बोलना, इनका चलना, इनका लव करने का सीन्स टू गुड। आई गॉट यू मैम। ये मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं सुबह को चन्नी वाली वॉक करती थी, पर जब ही से आपकी सीरियल देखा दिल में मेरे है दर्द डिस्को। मेरा एक विश है, आई वॉन्ट टू फुलफिल माई विश। क्या मैं आपके साथ एक लव सीन कर सकती हूँ? ये सीन देखने के लिए मैं तरस रहा था। लेकिन 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 आइए बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, पार्क में बैठे, पार्क में बैठे, इंग्लिश इंग्लिश पूरा करना चाह रही है। हां आपके साथ बैठेंगे। और हाईलाइट ये है कि ये दोनों पार्क के बेंच पे बैठे हैं। माइक जहाँ पे बैठी ना, बैठी ना, बैठी ना, आप दोनों बैठिए ना। नहीं बैठिए, बैठिए ना, पार्क के बेंच पे बैठिए। हाँ बैठ जाइए, पार्क का बेंच है। यू डोंट हैव प्रॉब्लम राइट? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम द व्यूअर्स विल हैव। सिट 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 प्लीज। और इसी पार्क के बेंच पे हमारे नवाब साहब भी बाजू में बैठे हैं, जिनके पैर को हल्का सा अटैक आ गया तो हिल नहीं सकते। बट अभी इनके एक्सप्रेशन देखना जब इनका लव सीन शुरू होगा। हाँ जी, आपको क्या लव सीन करना है मेरे साथ? एक्चुअली आज मैं बहुत खुश हूँ। यू हैव गिव रिएक्शंस। क्योंकि आप मेरे सामने बैठी। सामने नहीं, साथ में बैठा हूँ। साथ में बैठा हूँ। आपको जो भी बेस्ट सीन लगे ना वो बिंदास कीजिए। आप तो खुली छुट्टी है। आपको जिसको देखना है देखिए, बाकी आंखें बंद कर दीजिए। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि लोग टीवी ना बंद कर दें। आप डरिए नहीं, उसके बाद घर जाएंगे। नहीं डर। देखिए वो मैं मानता हूँ कि मैंने टेलीविजन का पहला किस किया था, याद है आपको? शायद आपने देखा था वो। मैं आपका कोई सीन मिस नहीं करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे किस कीजिए। अगर मैं आपको चीक पर किस करूँ चलेगा? दिस इज टू टू। इधर नहीं प्लीज। इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। अरे बट All the principals of schools will be against this. नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तक कुंवर हूँ। He's my best friend. जो भी आप। मैं Are you ready?
That was very cute. Well done, Ram. Well done, Ram. Well done, Ram. अरे आपने एक चीज नोटिस नहीं किया? जी. बहुत टाइम के बाद मैंने राम को कांपते हुए देखा. हाथ से हिल रहे थे. पर लेकिन मैम मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा. बड़ा क्यूट. आप बहुत स्वीट हैं और आपने यहाँ पे आने के लिए अपनी फ्लाइट डिले करवाई कि कैंसिल कर दिया जी? आपने? नहीं, मैं परसों जाने वाली हूँ कैनेडा वापस. अच्छा, तो कैनेडा में कहाँ पे रहती हैं आप? मेरे भाई का लड़के का शादी है टोरंटो में. तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इधर सिद्धिविनायक दादर. पासपोर्ट दिखा के. हाँ जी. ये मतलब नहीं, मैं गणेश जी के चरणों के नीचे रहती हूँ, अपोजिट द मंदिर से. नहीं, वो अच्छी बात है, आप मुंबई में रहती हैं. आप कभी आएंगे वो साइड तो मेरे घर आ जाइए बिंदास. नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, आप यहीं पे रहती हैं. पर मुझे सच्ची में लगा था कि आपने कहा मैं यूएस जाने वाली थी. नहीं, यूएस से एवरी ईयर मैं जाती हूँ, हर साल. तो मैं वहां से आई तो मैं आपका प्रोग्राम. तो वो मनी मन में खुश हो गए कि इंटरनेशनल फैन को किस किया मैंने. पर मैम आप बहुत क्यूट हैं, बहुत स्वीट हैं और बहुत विटी हैं. क्या बात है मंजू जी. हाँ जी, शुक्रिया. थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए. थैंक यू, धन्यवाद आपका. मंजू जी के लिए 2000 तालियां हो जाए जी. और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बालिके. सो मेरा नाम करिश्मा है. करिश्मा? यस सर. जी करिश्मा. मेरा सवाल है सैफ सर के लिए. जी. आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ योर शो सर. थैंक यू. तो मुझे कपिल सर के एक्चुअली लास्ट टाइम सैफ सर इस शो में आए थे तो किसी ने उनसे पूछा था अनियंस और टोमेटोज के प्राइस. तो क्या आप उस सवाल का जवाब दे सकते हैं शो पे? व्हाट इज द क्वेश्चन? सो अनियंस और टोमेटोस के प्राइस. आई थिंक आलू इज द चीपेस्ट. सबसे कम दाम में आलू बिकते हैं. आई थिंक 20-22 मेरे यहाँ 22 रुपए किलो के, और उसके बाद अनियंस जो कुछ 30-35 रुपए किलो के, और फिर सबसे एक्सपेंसिव हैं टमाटर. आई थिंक व्हिच इज नो अंडे. Which is 50 rupees a kilo. 15 rupees kilo ke ande kaha se? 50 rupees kilo. Kilo nahi. Sir, ab guess to nahi kar rahe na? 50 rupees dozen. 5 rupees ek ande ka hai shayad. Something like that. No. 50 rupees dozen. 60 rupees. It's not 10. It's 12, right? Okay. So, 4 rupees. I don't know. I just eat. No. Listen, he doesn't know. I know. About 50 bucks, right, for the dozen, because I did my homework. Very good, sir. Thank you for asking. Nikalte waqt maine apne chaukidar ko bola, bhaiya ek text bhej dena, ande kitne ke hain, aloo kitne ke aur onions kitne ke hain. Thank you, sir. Tomato ka pata nahi. Ye pichli baar bhi inse question pucha gaya tha aisa. Aur is baar taiyari karke. Well done, yeah. कहाँ से आई आप? So actually we are from, I'm from Dehradun, but वैसे हम नासिक में रहते हैं. नासिक में रहती हैं. चलिए, तो मुंबई में कैसे आना हुआ फिर? सर आपका शो देखने के लिए आए स्पेशली. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. आपसे मैं पूछते हुए डरता हूँ पता, क्योंकि आपने खुद इतना काम किया टीवी पे, फिर भी लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया. मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूँ, हम लोग सेप्टेम्बर में साउथ हॉल, एक एरिया है लंडन में जो बहुत हमारे देसी भाई वहाँ रहते हैं, पंजाबी भाई रहते हैं, हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, पाकिस्तानी भाई रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, बहुत इट्स ऑलमोस्ट लाइक मिनी पंजाब ओनली वहाँ पे. और वहाँ पे हम शूट कर रहे थे बिटवीन सैफ एंड रितेश, और भीड़ जम गई थी वहाँ पे. और वहाँ पे जो लंदन की रेड बसेस होती हैं, जो बहुत प्रिस्टीन बसेस होती हैं, प्रिस्टीन मतलब क्लासी बसेस होती है, वो लंदन की एक रेड बस गुजर रही थी वहां से, और इतना बड़ा होर्डिंग था वहां पे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, इसका फोटो था. अरे वाह,
मैं दिल से बोल रहा हूँ, इतना प्राउड फील किया मैंने कि टेलीविजन इस मुकाम पर आ गया है, क्योंकि आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम टेलीविजन. ट्रूली यू आर अ सुपर स्टार ऑफ टेलीविजन. थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू सो मच. राम भाई सॉरी, आपको ज्यादा तंग नहीं किया मेरे किसी मेंबर ने? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. तू जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगा यार. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.